प्रयागराज में हंडिया थाना क्षेत्र के नोनरा प्रतिपुर गांव में गुरुवार को अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया, जिसके बाद टीम ने खेत में लगे पौधों को उखाड़ने के साथ ही खेती करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जाँच के साथ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हंडिया थाना क्षेत्र के नोनरा प्रतिपुर गांव का रहने वाला विजय मौर्य अपनी 10 हिस्सा भूमि पर अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही हंडिया थाना की इमामगंज चौकी पुलिस ने खेत को कब्जे में लेकर मौके से आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर हंडिया एसपी पंकज लवानिया, थाना प्रभारी ब्रज किशोर गौतम, तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा, आबकारी इंस्पेक्टर पारुल चौधरी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां पुलिस द्वारा अवैध अफीम के 950 पौधों को उखाड़ने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार हंडिया आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि नोनरा प्रतिपुर गांव में लगभग 10 बिस्सा भूमि पर अफीम की अवैध खेती की गई है, जिसकी कीमत का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। वहीं पौधों को उखड़वा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 10:15 बजे इंस्पेक्टर हंडिया साहब का फ़ोन आया कि तहसील के ग्राम नोनरा में श्री विजय चंद्र मौर्य पुत्र राम मिलन द्वारा मौके गांव नोनरा में अफीम की खेती की जा रही है अवैधानिक रूप से। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर हंडिया, थाना हंडिया की टीम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लगभग 10 बिस्वा भूमि पर अनुमानित 900-950 के आसपास अफीम के पेड़ पाए गए हैं, जिनको उखड़वा के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हंडिया भी मौजूद हैं। जो भी आगे भविष्य में विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा।